हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम है, और इसी प्यारे मौसम में हम आज जा रहे हैं कैंप लगाने, डेंटल कैंप लगाने, ट्रैकिंग वाला कैंप नहीं। तो हमारा ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कराता है। बेसिकली जिसको नहीं पता है उनके लिए, हमारा जो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये जगह जगह कैंप्स लगाता है, जैसे कि गाँव में, स्कूल्स में और अलग अलग लोकल एरियाज में, ताकि ओरल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़े, है ना। ताकि जो जो आपके मुंह में समस्याएं हैं और जिनका आपको, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके मुंह में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो तब जाते हैं जब उनके दर्द होता है या कोई मेन प्रॉब्लम होती है तब। ऐसा नहीं है, आप लोग को अपनी ओरल हेल्थ को लेके बहुत अवेयर होना चाहिए। आप लोग एजुकेटेड हैं एंड प्लीज़ डू विजिट योर डेंटिस्ट वंस अ ईयर और एवरी 6 मंथ्स। सो मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, यहाँ पे एजुकेशनल ब्लॉग नहीं है ये। तो आज हम जा रहे हैं कैंप लगाने दून पब्लिक स्कूल में, जो यहीं पे हमारा लोकल है, दून पब्लिक स्कूल भाने वाला। एंड वील बी अ टीम ऑफ 13 to 15 पीपल। तो ये तो वहाँ जाके देखेंगे कि कैसे जा रहे हैं हम, क्या जा रहे हैं। सो जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड व्यूअर्स लाइक एंड कॉमेंट, ओके। तो चलो फिर चलते हैं। हमारे कॉलेज और हमारी रेंटल वैन भी यहाँ पे आ चुकी है। सो वी हैव रीच्ड, और यहाँ पे तो अभी बारिश हो रही है। ये रहा स्कूल। पे हमारा सारा चेकअप वगैरह सब कुछ होगा। वी हैव रीच्ड, और यहाँ मेरी नीस भी पढ़ती है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो 8th क्लास में, अक्षिता, और बस जब वो आएगी तो उसको मिलेंगे इस वीडियो में। वहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, अरे वाली रविश। हम डायग्नोस करना शुरू करेंगे, ये लोग लिखेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस, क्या फाइंडिंग है, और हम लोग डायग्नोस करेंगे। क्लास 6 हमने डायग्नोस कर दी है पूरी। अब नेक्स्ट क्लास आएगी, वो प्रियंका डायग्नोस करेगी। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी मैं अपनी नीज का वेट कर रही हूँ। ये तो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, छोटे बच्चे। नेक्स्ट क्लास इज कमिंग। साथ हमारा दूसरा सेक्शन भी हो चुका है, बच्चे लास्ट इस सेक्शन के। तो
दिस इज लंच टाइम। हाय बोलो। सो नेक्स्ट सेक्शन इज हियर, आर यू रेडी डॉक्टर प्रियंका? चलो डॉक्टर गौरव, डॉक्टर नितिक और डॉक्टर पूजा डायग्नोस्ट करते हुए, डॉक्टर रविश हम तो बहुत खुश हैं, डायग्नोस्टिक पेशेंट बट सेफ्टी फर्स्ट, डन डन। सेक्शन भी हो गया है, 66 ए बी सी करे हमने, तो हमने अभी तक 4 क्लासेस डायग्नोस कर लिए, दैट प्रोसेसिंग चल रही है और एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं, तो हमारे हो गए होंगे अभी तक 160 से 100 के करीब, और हमने 6 ए बी सी और डी कर लिया कवर। कैसा लग रहा है डायग्नोस? तो आपको कैसा लग रहा है? ग्रेट। नेक्स्ट तो वो क्लास में चली गई, अब देखते हैं कि हम और क्लासेस करेंगे या नहीं, ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। रिफ्रेशमेंट्स के लिए अभी पानी मिला है और तो अब हमारी 7th बी आ रही है, खुश लंबे लंबे बच्चे, हमारी रिफ्रेशमेंट आ रही है, चाय मिलेगी शायद हमें, हाँ चाय मिल रही है हमें, एंड हमारा 7th बी भी हो गया, दो सेक्शन और बच्चे, कुछ खाने के लिए भी आया है, लस्सी क्या मिलता है, तो हमारी चाय मस्त बारिश के मौसम में। आफ्टर रिफ्रेशमेंट नेक्स्ट बैच इज हियर। सो नेक्स्ट सेक्शन इज हियर, और यहाँ पे तो धक्का मुक्की चल रही थी, पहले सूजा पहले सूजा वाली, आप सब कर रही थी, ये देखो इनको आगे आने ही नहीं है। अरे यार इतना खौफ है यार टेंशन का। सेक्शन आ गया है भाई, आज तो हमने बहुत ज़्यादा बच्चे कर लिए हैं, एक हाथ तो हाई भी कर रहे हैं वहाँ से। नौ सही में यार, 9 से 1 बज गए अभी हमारा, तो हमने 9 बजे से 1 बजे तक अभी तक टोटल 267 पेशेंट डायग्नोज कर दिए, इट वॉज अ टीम वर्क एंड इट्स अ रैप नाउ। कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर गौरव? सही में यार, मतलब नॉन स्टॉप हम लोगों ने एक साथ इतने सारे धक्का मेल लगे हुए हैं, वो बच्चे सही में एक साथ, और सिर्फ 15 लोग हैं हम, जिसमें से एक ड्राइवर है, एक असिस्टेंट है और एक मैम है, तो हम लोग तो उनको हटा के हम 12 लोगों ने 267 पेशेंट्स डायग्नोस करे हैं। गाइस 267 पेशेंट करके कैसा लग रहा है? सो इट्स अ रैप, और जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ओके? सो गाइज एम बैक एट माई रूम, और हमारा कैम्प बहुत ही बढ़िया था, हमारा सारा जितना भी था हमने 267 पेशेंट्स डायग्नोस करे, और मतलब डायग्नोस मतलब कि हमने टोटल 267 लोग का मुंह का जांच करा, हमने 6th और 7th क्लास कवर करी है, एक क्लास के 4 सेक्शन थे, 6th ABCD 7th ABCD, तो हमने इतने सारे सेक्शंस टोटल 8 सेक्शंस कवर करे और बहुत ही सही था। हमें रिफ्रेशमेंट्स में मिला था समोसा चाय चटनी, जो बहुत ही बढ़िया हो रहा था, और मतलब इतना सारा एग्जॉशन के बाद बहुत ही सही में वो रिफ्रेशमेंट था। बच्चे वहाँ के बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छे से,
और जो भी स्टाफ वगैरह था वो सब भी बहुत ही अच्छा, मतलब फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेरी नाइस। एंड आई होप कि जब हम नेक्स्ट टाइम वहाँ फिर से, अभी तो हमने सीनियर विंग का आधा कवर करा है, तो अभी जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे आई होप वहाँ और बढ़िया रहे हमारा। सो मेरा कैंप तो बहुत ही बढ़िया था, आई होप आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड कॉमेंट। डॉक्टर अनिरुद्ध, डॉक्टर पूरन, आप लोग कैंप में क्यों नहीं गए? तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, तो पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा सबको, इसलिए नहीं गई क्योंकि हमें डिपार्टमेंट पूरा जो PhD डिपार्टमेंट है जो पूरा वो हमारी जिम्मेदारी थी, दोनों की जिम्मेदारी थी। तो यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं आप हमारा, ठीक है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू राशिश ब्लॉग। थैंक्स डियर।